ट्रेनर्स, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्पॉटलाइट कैसे करना है अपने आप को या किसी और प्रोज को। स्पॉटलाइट हम तब करते हैं जब आप एक ही टाइम पे आप जब कुछ सिखा रहे होते हो या बोल रहे होते हो और आप चाहते हो कि सारी प्रोज आपको दिखे और आपकी बात सुने, उस टाइम पे आप अपने आप को स्पॉटलाइट कर सकते हो। या फिर अगर कोई प्रो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और आप चाहते हो कि उसके जैसे दूसरे प्रोज भी करें और उसको सबको दिखाना चाहते हो, सबके स्क्रीन में बस उसी का वीडियो दिखना चाहिए, तो उस केस में भी हम स्पॉटलाइट कर सकते हैं। अभी सपोज़ यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, ये सपोज़ ये मेरा प्रोफाइल है, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे सब लोग देखें, तो आपको क्या करना है, सपोज़ ये प्रोफाइल है, आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप थ्री डॉट्स आएगा, थ्री डॉट्स में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन में जब जाओगे, अगर आपने पहले से किसी को पिन कर रखा है तो उस टाइम पे स्पॉटलाइट नहीं हो पाता है, पिन को रिमूव करना होता है, और अगर नहीं किया है तो डायरेक्ट स्पॉटलाइट होता है। अब जैसे कि मैंने दो लोगों को पिन करके रखा था तो उनको अनपिन अपने आप करना पड़ेगा जब मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगी और देखिए स्पॉटलाइट हो गया। अब मैं जो भी बोलूँगी सबके स्क्रीन में बस मेरा ही चेहरा दिखेगा और सबको मैं जो बोल रही हूँ वही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप किसी को स्पॉटलाइट करते हो या अपने आप को स्पॉटलाइट करते हो तो दूसरे को आप पिन अनपिन नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव स्पॉटलाइट। जब भी आप रिमूव स्पॉटलाइट करते हो तो अपने आप स्पॉटलाइट रिमूव हो जाता है, फिर आप जब चाहो सबको देख सकते हैं। सिमिलर वे में आप अगर किसी प्रोज को स्पॉटलाइट करना चाहते हो, थ्री डॉट में जाओगे और उसको स्पॉटलाइट कर लोगे, तो उसके आपके स्क्रीन पे और सबके स्क्रीन पे बस उसी का वीडियो दिखेगा, फिर आप रिमूव स्पॉटलाइट कर सकते हो, उससे स्पॉटलाइट हट जाएगा और फिर आप गैलरी व्यू में जाके या स्पीकर व्यू में जाके चेक कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, स्पॉटलाइट करते हुए आप पिन नहीं कर सकते, सबको सेम स्क्रीन दिखेगा जिसको आपने स्पॉटलाइट किया हुआ है। थैंक यू।